Welcome to Galaxy the Global channel. I hope you'll be safe and better at home. Today I'm going to explain some important and advanced shortcut keys from Windows logo key in alphabetical series. So I humble request to you, please watch this video till the end to gain your extra knowledge in computer. Let's begin, guys. Shortcut key number first, Win key plus B, set focus in the notification area। यह शॉर्टकट की नोटिफिकेशन एरिया को सिलेक्ट करता है। यदि आप नोटिफिकेशन एरिया की ओर उपस्थित सभी नोटिफिकेशन को क्रमानुसार देखना चाहते हैं तो क्रमशः लेफ्ट राइट डायरेक्शनल एरो की का इस्तेमाल करें। शॉर्टकट की नंबर सेकेंड, Win key plus C, ओपन द चार्म्स। इस शॉर्टकट की द्वारा चार्म्स को ओपन किया जाता है। चार्म्स जो विंडोज 8 का एक नया फीचर है जो आपको विंडो सर्च, सर्चिंग, स्टार्ट मेनू, डिवाइसेस एंड सेटिंग जैसा महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध करवाता है। शॉर्टकट की नंबर थर्ड, Win key plus D, डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को दर्शाने एवं छुपाने हेतु इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की नंबर फोर, Win key plus E, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए यह शॉर्टकट की काफी उपयोगी है। शॉर्टकट की नंबर फिफ्थ, Win key plus F, ओपन द सर्च चार्म टू सर्च फाइल। यह शॉर्टकट की सर्च चार्म को ओपन करता है जिसका उपयोग कर हम फाइल्स को ढूंढने जैसा काम करते हैं। शॉर्टकट की नंबर सिक्स, Win key plus H, ओपन द शेयर चार्म। इस शॉर्टकट की द्वारा शेयर चार्म को ओपन किया जाता है जिसका उपयोग कर फाइल की ऑनलाइन शेयरिंग होती है। शॉर्टकट की नंबर सेवन, Win key plus I, ओपन द सेटिंग चार्म। सेटिंग चार्म को ओपन करने के लिए यह शॉर्टकट की काफी उपयोगी है। सेटिंग चार्म को खोलने की जरूरत तब होती है जब कंप्यूटर संबंधित सेटिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होता है। शॉर्टकट की नंबर 8, Win key plus K, ओपन द डिवाइसेस चार्म। इस शॉर्टकट की द्वारा डिवाइसेस चार्म को ओपन किया जाता है। शॉर्टकट की नंबर 9, Win key plus L, लॉक योर पीसी और स्विच अकाउंट। कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए या मौजूदा यूजर अकाउंट्स को बदलने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग होता है। शॉर्टकट की नंबर 10, Win key plus M, मिनिमाइज करेंट विंडो। इस शॉर्टकट की द्वारा मौजूदा विंडो को मिनिमाइज किया जाता है। शॉर्टकट की नंबर 11, Win key plus Shift plus M, रिस्टोर मिनिमाइज्ड विंडो ऑन द डेस्कटॉप। मौजूदा विंडो को पुनः डेस्कटॉप की ओर रिस्टोर करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग होता है। शॉर्टकट की नंबर 12, Win key plus O, लॉक द स्क्रीन ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एरो कीज द्वारा स्क्रीन को चारों दिशाओं की ओर रोटेट करने जैसा कार्य किया जाता है, परंतु स्क्रीन को रोटेट करने के पश्चात उन्हें पुनः सामान्य करना हो तो Win key plus O शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। शॉर्टकट की नंबर 13, Win key plus P, चूज अ प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मोड। आप आउटपुट को सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की ओर ही दर्शाना चाहते हैं या किसी और डिवाइस जैसे अन्य किसी मॉनिटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन की ओर भी उसका डुप्लीकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट डिस्प्ले मोड को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। यह शॉर्टकट की आपको वो सभी विकल्प प्रदान करता है। शॉर्टकट की नंबर 14, Win key plus Q, ओपन द सर्च चार्म टू सर्च एवरीवेयर और विद इन एन ओपन ऐप। इस शॉर्टकट की द्वारा सर्च चार्म को ओपन किया जाता है जो किसी भी आइटम को कहीं से भी ढूंढने का कार्य करती है। शॉर्टकट की नंबर 15, Win key plus R, ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट की नंबर 16 Win+T साइकिल थ्रू एप्स ऑन द टास्क बार। टास्क बार की उपस्थित सभी एप्लीकेशंस को परत दर परत देखने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की नंबर 17 Win+U ओपन इज ऑफ एक्सेस सेंटर। इस शॉर्टकट की द्वारा इज ऑफ एक्सेस सेंटर को ओपन किया जाता है। शॉर्टकट की नंबर 18 Win+W ओपन द सर्च चार्म टू सर्च सेटिंग। यह शॉर्टकट की विशेषता सेटिंग्स को सर्च करने के लिए सर्च चार्म को खोलने जैसा कार्य करती है। शॉर्टकट की नंबर 19 Win+X ओपन द क्विक लिंक मेनू। क्विक लिंक मेनू को खोलने के लिए ही यह शॉर्टकट की यूज होता है। यदि वीडियो संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट साझा करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।